तभी है सर। नहीं सर, हम तो सर यही बोलेंगे कि सर आप हमारे लिए अभी अभी सर वहां के सर भगवान है मेरे लिए आप। अरे नहीं सर, नहीं इतना बड़ा दर्जा मत दीजिए सर, कहीं लेकिन हम सर आपके ही न्यूज से मेरे भाई ने, नहीं तो उसको कौन कोई जानता ही नहीं, वो तो फिर लावारिस ही जाता वो। तो जो वो जो थी लड़की थी पलक जो थी, तो जी। एक मतलब तो आई थी वो, तो फिर हमने पूछा भी कि जावेद कौन है ये लड़की। अब हम बड़े हैं तो मेरा तो फर्ज तो बनता है ना भाई पूछने का। तो जी। बोला कि भैया ये हमारी दोस्त हैं, हमारे साथ रहते हैं, हम शादी करेंगे, ऐसा कुछ मेरे को कोई मतलब ये नहीं बताया। तो जी हम कहेंगे बेहुदा अगर शादी करना तो फिर अपने में करो, ऐसा हमने कहा उसको। ठीक जी है, तो नहीं भैया हम प्यार करते हैं ये वो। सर जी सॉरी आपको डिस्टर्ब किया अभी, माफी चाहते हैं आपसे। हाँ सर, कहाँ से बोल रहे सर? सर एक्चुअल मेरा नाम साबिर हुआ जी और सर हम तो चंडीगढ़ में हैं। जी सर वो मेरा भाई के सर आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया था जी जावेद के बारे में, हाँ जी आपका तो वो तो सर मेरा ही भाई है वो। तो हाँ ये हो हाँ मैं सर एक्चुअल चार भाई हम लोग हैं, बड़े हम सबसे बड़े हैं, जी अभी तो चंडीगढ़ में हम हैं। तो जी आपसे ये सर पूछना था, मेरा एक छोटा भाई है और हीरा नाम से है वो, शायद आपसे बात मतलब किया था। जी तो वो शायद आप बोले थे कि हम वहाँ के एसपी से बात आपको कराए थे, तो सर उसे ऐसी हो गई थी बात जी एसपी जी साहब ने। मैं नंबर भी उनका प्रोवाइड करवा दिया था उनको। अच्छा, हाँ सर, आपका नाम क्या बताया सर? सर मेरा नाम हुआ साबिर। साबिर। साबिर हाँ साबिर, क्या सर? एस ए बी आई आर साबिर, साबिर आगे सर? बस मोहम्मद साबिर है बस। मोहम्मद साबिर। हाँ ठीक जी, हाँ है, जी तो आप कितने भाई थे? सर हम लोग चार भाई थे, अब तो सर तीन ही रह गए। अच्छा, ये जो भैया थे कितने नंबर के थे भैया? ये सर सबसे ही छोटा भाई था मेरा, अच्छा, सबसे छोटा है। और एक जो बाहर से फोन किया था आपसे, हाँ जी वो दूसरे देश से कुवैत से, हाँ कोई से? जी वो तीसरे नंबर पर है। और अच्छा एक अच्छा जो इंडिया से बात हुआ था आपसे हीरा से, वो हाँ दूसरे नंबर पर, और हम भाई 15 ये ऐसी पहले नंबर पर हैं। वो हीरा हीरा भैया, हीरा हाँ हीरा जो है जी। मेरे मेरे से छोटा है, उससे छोटा वो है जो कुवैत में था, वो आप जिससे आपकी बात मतलब हुई थी सबसे पहले उसी से बात हुआ आपको। जी। और जो आप फिर आपने कंफर्मेशन करने के लिए हमारे भाई का फोटो आपने दिया, एक तो सर जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपकी वजह से मेरा भाई का पता चला कि मेरा भाई ऐसे हालात में है, नहीं तो हम लोगों को तो पता ही नहीं चलता, वो तो फिर वो लवारिस घोषित हो जाता। अरे नहीं सर, हमारा तो काम ही यही है। ये कैसे हाँ नहीं आपको सर क्या हुआ ऊपर सर? कहाँ आए थे? यहाँ बलांगीर में रहते थे क्या? पता नहीं, हम वो तो शायद घर में पता चला कि वो लोग घूमने गया था या किसलिए गया था, क्या कोई हमको पता ही नहीं है। यहाँ पर ये कब से बाहर थे घर से? अच्छा ये घर से आता आता जाता रहता था ही। अच्छा वो महीने में, उस साल में हाँ तो? हाँ कभी कभी जाते रहता था। अच्छा, और उनके साथ एक लड़की भी दिखाई दी थी सर, वो उनका भी हाँ हाँ डेथ हो गया। उसके साथ में लड़की थी एक, वो लड़की कौन है उनका कोई? नहीं उससे उसके बारे में क्लियर हमको भी नहीं है, लेकिन हाँ वो लड़की मिलती थी उससे, क्या रिलेशन था क्या वो हम भी बता नहीं सकते हैं आपको क्लियर, इसलिए कि हम बहुत दिन पहले गए थे हम घर वहां, तो एक बार मैंने देखा था, ये बलांगीर में रहते थे क्या? हम नहीं बता सकते मेरे बड़े भाई। अच्छा, वो बलांग मतलब आपको पता नहीं था? ना ना नहीं नहीं मेरे बड़े भाई हमसे बात ही नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अच्छा एक दो बार फोन भी किया था तो वो भी फोन उठा नहीं पाए थे हम, उसके बाद मतलब बात ही नहीं हो पा रहा था उससे। हाँ थोड़ा अगर आप मतलब बता सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है किसके वजह से ऐसा हुआ होगा? यार मैं क्या बताऊं आपको, मेरे से ना ना ये
ना ये बच्चा कुछ हमको बताया ना कुछ किया, हरमेशा हंसमुख सबसे मिलने जुलने वाला बच्चा ही है, सबसे बिल्कुल घरों में छोटा, सबसे ना किसी से मिलना, मतलब कोई ना, मैंने हमको कोई ऐसा हो ही नहीं, मैंने कभी सोचे ही नहीं थे कि इसके साथ इस तरीके से हादसा होगा। जी। आपका अभी घर समझ घर जाइए, कहाँ पे है अभी सर? ये सर बोकारो में हम लोग हैं सर, हम तो यहाँ है चंडीगढ़ में, लेकिन मेरा घर जो है बोकारो में है, झारखंड बोकारो। अच्छा, हाँ सर, झारखंड सुने होंगे नाम सर, जो बिहार जी से कट के अलग हुआ। जी हाँ जी, तो झारखंड से बलांगीर तो बहुत दूर होता है सर, कैसे यहाँ आ गए वो भी, और वो हमको इसके भी बारे में कोई खास नॉलेज नहीं है, हाँ, वो जंगल में उनका वो ये मिला है ना। या कोई ले जाके वहां पर फेंक दिया कि कहीं और से कांड हुआ, कहीं और से कांड ले जा करके वहां पर फेंक दिया है, सब कुछ कुछ हाँ पता नहीं है यार। हाँ वो तो अभी पता चलेगा, वो तो इन्वेस्टिगेशन शायद चल रहा है उसका। जी, जैसे होता है ना कि लोग कहीं कहीं कुछ किया और ले जाकर कहीं कहीं मतलब फेंक दिया जी, है ना। हम तो सर आपका यही धन्यवाद देंगे इस गम के क्षण में कि आपकी वजह से ही हमारे भाई का पता लगा। अच्छा, हमारा न्यूज़ देखते हैं क्या? कैसे आपको नहीं, पता चला? एक्चुअल है किसी के पास लिंक आया, ये जी उन्होंने हमें मतलब कि जो है कि फॉरवर्ड किया, तो जी एक हमारे उड़ीसा के ही हमारे दोस्त हैं निखिल, जी जी उनको मैंने कहा कि भाई ये इस भाषा में है थोड़ा मेरे को बताओ, तो उसको हमने बोला, फिर वो सारा जो वो उड़ीसा भुवनेश्वर का है, तो जी वो फिर हमें सारा चीज गया कि भाई ऐसी सी बात है, ये तो मैंने अब तेरा भाई है कि नहीं है इसके बारे में कोई नाम पता तो नहीं, ये थी बताया जा रहा है, लेकिन अगर तू जैसे बता रहा है तो हो भी सकता है, लेकिन उस समय तो हम लोगों को क्लियर नहीं हो रहा था कि हाँ मतलब हमारा भाई है, लेकिन जब आपका आपने जो उसका फेस का फोटो भेजा ना, तो फिर जी 100% क्लियर हो गया कि हमारा ही भाई है। जी जी मैंने सर, तो आपसे एक सर रिक्वेस्ट है सर, कि यहाँ से बंदे तो जाएंगे हिलाने के लिए बॉडी को, अरे आपसे जितना हो सके सर आप अपने असर से सर हेल्प कर देना उनका। जी उसका कोई दिक्कत नहीं है सर, हम वो सब जितना हो पाएगा हमसे हम कर देंगे सर, इसके लिए जी जी कोई ये रिक्वेस्ट करना नहीं है सर, ये मेरा नहीं कर्तव्य है सर। नहीं सर, हम तो सर यही बोलेंगे कि सर आप हमारे लिए अभी अभी सर वहां के सर भगवान हो मेरे लिए आप। अरे नहीं सर, नहीं इतना बड़ा दर्जा मत दीजिए सर, कहीं लेकिन सर हम आपके ही न्यूज़ से मेरे भाई जी ने, नहीं तो उसको कौन कोई जानता ही नहीं, वो तो फिर लावारिस ही जाता वो है कि नहीं। नहीं आप तो सर हमारे लिए भगवान ही सर, जो आपने सर आपका न्यूज के चलते हम लोग ये पता चला कि ठीक है कम से हमारा भाई डेथ हो गया, कम से कम वो लावारिस तो नहीं ना सर कहलाएगा। जी 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 तो नहीं, अभी तो वो आपके वो हीरा जी से भी बात हुआ था, अभी हाँ, वो बोल रहे थे कौन कौन आ रहे हैं, और जी, मैंने उनको वो यहाँ के जो इंचार्ज है, जिस हाँ अंडर के जी वो एरिया जो अंडर में आता है थाने में, जी 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 वो उनका नंबर भी उनको प्रोवाइड करवा दिया हूँ, बता भी दिया हूँ, जी जी वो शायद उनसे बात कर लिए होंगे। अगर कोई दिक्कत रहेगा इस सिलसिले में तो सर मेरे से जितना हो पाएगा मैं करूंगा हेल्प वो। करूंगा। जी, जी जी वो यहाँ पे शायद वो पोस्टमार्टम में जो होता है वो वहीं रखे होंगे उनका बॉडी को। तो पोस्टमार्टम तो सर हो गया होगा ना। हाँ, वो तो हो गया उस दिन, शायद शाम को ही हो गया होगा। ये सर बॉडी किस दिन मिली थी सर, कल की परसों? ये परसों की, शायद परसों की रात की बात है, अच्छा परसों रात की बात है, अच्छा, तो परसों रात की बात है, तो सुबह सुबह हमको खबर मिला कि ये मतलब ये हुआ है बोल के, तो जी, सुबह हम पहुंचे थे वहीं। हाँ,
मतलब कि कल कल मतलब सुबह आप है कि ये पहुंच जाते हाँ हैं। अच्छा ये तो कल की ही बात है ना। जी। और हम लोग को पता चला आज, फिर वो सारा न्यूज जब आपका मैंने रन कर गया ना पूरा, तो जी फिर वो लिंक मिला हमारे उसी भाई जिससे आपका बात हुआ था ना जी जी मीरा से, उसी को लिंक कहीं से मैंने मिला है। तो वो फिर लिंक है कि हमारे पास भेजा, फिर हम वो हमारा जो दोस्त है निखिल, उसको हम पकड़ा भाई। नहीं ये थी निखिल, ऐसी सी बात बात है, बताओ यार मेरे को। फिर वो सारा मुझे है कि बताया जी। अब तब क्या बोले सर, अब मतलब आपको कुछ अंदाजा हो गया सर क्या हुआ होगा सर वहां पर? ये तो अभी अंदाजा तो नहीं पता लग रहा है, लेकिन जो लग रहा है कि कुछ पैसे वैसे का मैटर लग रहा है ऐसे, अच्छा, और ऐसा तो कुछ सामने नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। अभी तो इंक्वायरी चल रहा है, जो एसपी सर से बात किया था जी। तो वो बोल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो उसको बताएंगे बोल रहे थे, तो अच्छा, इसीलिए मैं आपको पूछा कि वो शायद आपको नहीं मेरे से मदद ज्यादा उसका बात होता होता ही नहीं था। अब वो इसलिए मेरे से बात नहीं करता था कि आप घर में बड़े भाई थे, बड़े मतलब जो है कि, या आप समझिए कि रिस्पेक्ट समझिए या जो भी, आप सोचता बोलता था भैया आप तो सबसे माने बड़े हैं, अपने छोटे में बात लो कर देता। कोई ऐसी बात होती थी तो कोई घर का मैटर होता था तो फिर मेरे को अगर कोई ऐसा मतलब वो करता था फोन, लेकिन ऐसा हो। आपको नशे वसे में क्या ये उनका बिजनेस चलता था क्या? नहीं भैया इसके बारे में तो कोई नॉलेज ही नहीं है हमको, अच्छा, इसलिए हम तो जैसे कि हम तो यहाँ पर रहते हैं चंडीगढ़ में, हाँ कभी 2 दिन या हफ्ता दिन के लिए गए, अपना सबसे मुलाकात हुआ, सबसे भेंट मुलाकात किए, अपना फिर मतलब चले आते थे हम। हाँ हीरा जी से बात हुआ था कि वो जो लड़की है उनके साथ थी हाँ, वो क्या मिश्रा कुछ है उनका टाइटल, इसरा टाइटल तो हो सके तो पता होगा उसको, हाँ आपके गांव ऐसे की पलक बात। पलक लोग बोलते हैं उसको। हम सिर्फ इतना जानते थे कि इसलिए कि ना बीच में कोई किसी काम से हमारी माँ को पैरालाइज अटैक है ना, तो जी उसमें गए थे हम लोग, तो फिर उस बच्ची को हमने देखा था। तो ज्यादा दिन नहीं, 2 या 3 दिन हम मतलब कि रुके थे वहां पर, वहां से फिर मेरा वापसी का टिकट था। कहाँ, बलांगीर से? नहीं हाँ, जो जो वो जो थी लड़की थी पलक जो थी, तो जी, एक हम मतलब आई थी वो, तो फिर हमने पूछा भी कि जावेद कौन है ये लड़की। अब हम बड़े हैं तो मेरा तो फर्ज तो बनता है ना भाई पूछने का, तो बोला कि भैया ये हमारी दोस्त हैं, हमारे साथ रहते हैं, हम शादी करेंगे, ऐसा कुछ मेरे को कोई मतलब ये नहीं बताया। तो हम कहेंगे बेवदा अगर शादी करना तो फिर अपने में करो, ऐसा हमने कहा उसको। ठीक है, तो नहीं भैया हम प्यार करते हैं ये वो, अब चलो ठीक है। उसके बाद 2 या 3 दिन हम मतलब कि जो है कि ये थी रुके हम वहां पर, और वहां से फिर मतलब कि चल दिए हम वहां से। हेलो हाँ, जब पता चला कि वो झारखंड की है तो सब लोग सोच में पड़ गए कि झारखंड की यहाँ पे कैसे आई, लेकिन ये लोग यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे घूमते थे। हाँ वही चीज है ना बेहुदा, हम मतलब हमसे बात हुए करीब लगभग 4-5 महीना, 4-5 महीना हो गया था हमसे करीब माने यदि बात हुई उसको। हाँ अच्छा 4-5 महीना पहले थोड़ा सा बात हुआ था, वो कुछ सब माने कि वो घर और बनाने का मैटर था, तो बोला था भैया आप जो है कि बनाना है आपके, हाँ बाबू बनाना तो है, तो ठीक है भैया बनवा लीजिए, नहीं तो सामान वामान जो है कि मतलब महंगा हो रहा है, जैसे होता है ना रेता बजरी ये सब। मतलब कि कोई नहीं बाबू, जब जब यदि पैसा होगा हम तो यदि बना ले, बस इतना बात हो करके फिर वो बोलता है ठीक ठीक है भैया हम रख रहे हैं। उसके बाद और आज तक फिर कोई बात नहीं हुआ उससे, समझ जी, ना। अभी क्या मैटर है क्या नहीं, अगर वहां हम रहते पास में तो शायद आपसे खुद आकर के मिलते आपको।
है। जी तो भाई जी मुझसे तो आपका शुभ नाम भाई निवेश, मेरा नाम निवेश, निवेश पांडे। जी निवेश जी अच्छा। हाँ तो निवेश भाई वही कह रहे हैं कि अगर आप वहां होते तो हम आपसे पर्सनली मिलते, लेकिन आपसे भाई यही है जो भी लोग जाएंगे यहाँ से, हो सके हमारी बहन और भांजा या भाई जो भी जाए उनको हम आपका है कि नंबर मतलब दे देंगे, ठीक है मेरे भाई। जी 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 कोई दिक्कत नहीं भैया जी, हाँ दे दीजिए। हाँ आप थोड़ा सा हेल्प कर दिएगा, मतलब बहुत आपका एहसान भैया, आपने इतना एहसान कर दिया, बस ये एहसान आप कर देना मेरे ऊपर, और क्या है सन आपने एहसान किया ना मेरे ऊपर जैसे यूट्यूबर पर जो भी है, तो जी? ये मैं तो एहसान समझ कि आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कि आपकी वजह से हमारे भाई का पता चला। यानी वो तो हमारा कर्तव्य है भैया जी। हाँ तो बस भैया एक एहसान और आप कर देना कि जो हमारे जो भी लोग जाएंगे अगर उनको किसी चीज की अगर कोई हो तो हेल्प आप कर देना बड़े भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल, जितना हमसे हो पाएगा हम जरूर करेंगे भैया जी, बोलना नहीं जी पड़ेगा। तो हाँ हाँ जी 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 नंबर दे दीजिएगा उनको। ठीक जी 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 है जी, हाँ बॉडी वोडी देने में जो कुछ भी या एम्बुलेंस वगैरह करने में जो भी होगा भैया आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। जी 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 सर। नहीं ओके अच्छा, और सॉरी हम आपको इस समय इतना नहीं रात कोई को कोई जगाया। बात नहीं सर, ये तो हमारा ये टाइम है सर, रात जी भी लोग फोन करते हैं। अच्छा ठीक है, हम वही सोच रहे थे कि रात हो गया पता ना फोन उठाएंगे नहीं उठाएंगे। ना ना, आप चाहे कितनी भी रात हो फोन लगा सकते हैं सर, ये 24 आवर्स हम काम करते हैं जी, सर। ठीक है निवेश जी, कभी मेरा अगर उड़ीसा में या उधर आना हुआ तो भाई जी हम आपसे जरूर हम मिलेंगे आपसे। जी जी सर, जी जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, जी सर। शुक्रिया।